कार्ड उन्हें पकड़ के, ये रट्टा सिस्टम का मसला है, नंबर का मसला है, ये नंबर शंबर का मजाक लगाया हुआ है। बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना होता है कि वो डर रहे होते हैं कि यार अगर हम नंबर नहीं लाएंगे तो पता नहीं हमारी जॉब नहीं मिलेगी, सत्यानाश हो जाएगा। तो ये सिस्टम ठीक करना तो गवर्नमेंट का काम है। ये जो प्राइवेट गार्ड ने डंडे मारे हैं, हाथ कैसे उठाए इन्होंने? ये यूथ ही है जिसकी वजह से जो शो से पैसे बनते हैं, चाहे आतिफ असलम हो, कोई प्रैंकस्टर हो, इन सबके पैसे कैसे बनते हैं? नहीं, पैसे कैसे बनते हैं? इसलिए कि यूथ देखती है तो बनती है, बुड्ढे तो नहीं देखते हमें, ये तो बुड्ढे तो गालियां दे रहे होते हैं हमें। मैं अभी अपने सारे काम वगैरह छोड़कर लाहौर में वहां जा रहा हूँ अदालत में, और रिक्वेस्ट ये होगी कि जितने मैक्सिमम लोगों की जमानत करवा सकें। वेल डन। उन्होंने डंडे किस कानून के तहत डंडा मारा है भाई? ये किस कानून में लिखा है कि आप स्टूडेंट को डंडा मारें? वो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। वो भाई नंबर सिस्टम खत्म करो, असल बड़ी चीज ये कि रट्टा सिस्टम खत्म करो, प्रोजेक्ट बेस हो। ये किस बात का प्रेशर डाला हुआ है सारे स्टूडेंट्स पे, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये क्या होता है जी, 2 साल के बच्चे को तोता चिड़िया बना के भेजो, आज एनिमल डे है, अब इंसान का बच्चा उसे आप कुत्ते का बच्चा बना के भेज रहे हो? मतलब एक इंसान का बच्चा है, उसको कह रहे आज परी बन के आओगी तुम। आप अभी इमरान खान 1 मिनट में चाहे तो ये ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। क्या मतलब क्या होगा अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और ऑनलाइन में उसने क्या कहते हैं नंबर के चक्कर में नकल कर ली, फिर क्या हुआ फिर? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेवकूफो नंबर का कोई काम नहीं है। मेरा मकसद है डंडे कैसे पड़ रहे हैं यार, डंडा उठाया कैसे आपने बच्चे पे? ये गार्ड्स है, पंजाब पुलिस है, जिसने भी डंडा मारा है उसके डंडा उसके अंदर ही चढ़ाएंगे। मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा जानू, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मलंग चकी तई ढाडा तंग चकी मस्त, मलंग चकी तई ढाडा तंग चकी। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा।